सोनभद्र ग्रासिम इंडस्ट्रीज में स्थापित स्कूल के श्री देवी कानोरिया गेट पर किया धरना प्रदर्शन। स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चों के गार्जियन द्वारा कई गंभीर आरोप। ग्रासिम इंडस्ट्रीज अधिकारियों को स्कूल की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं। पूछने पर भड़के अधिकारी। रेणुकूट में पिछले 6 महीनों से ग्रासिम इंडस्ट्रीज में स्थापित स्कूल के श्री देवी कानोरिया विद्यालय प्रबंधन के द्वारा स्कूल बस की व्यवस्था बंद कर दी गई है, जिससे स्कूली बच्चों को विद्यालय आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्याओं से जूझ रहे गार्जियन ग्रासिम गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। इसकी सूचना ग्रासिम इंडस्ट्रीज के मुख्य सुरक्षा अधिकारी धारा सिंह और CSR हेड प्रभात पांडे जी को समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी दिया गया है। स्कूल बस की बहाली की जाए, जिससे स्कूली बच्चों को विद्यालय आने जाने में सुविधा हो सके। प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2-3 दिन के अंदर बस की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। स्कूल के बच्चों के गार्जियन लोग यहाँ गेट जाम करके है। पहले स्कूल आप किस पद पे सर? मैं यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हूँ, और यहाँ पर पहले स्कूल के द्वारा डायरेक्ट बस चलाया जाता था, जिसको स्कूल ने अब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि वो बस की सुविधा दे। तो जाहिर सी बात है कि जब स्कूल डायरेक्ट देता था तो ज़्यादा सुविधा हो रही थी। अब शायद अभिभावकों को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात करने में समस्या हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आए थे कि पहले जैसे व्यवस्था कर दी। तो मैं ग्रासिम से आया हूँ, डेफिनेटली इन सारे अभिभावकों के बाद प्रिंसिपल साहब के पास पहुँचाऊंगा। सर, एक गार्जियनों का ये भी आरोप है कि कोरोना काल में स्कूल बंद, स्कूल में भी फीस बच्चों से लिया गया था। वो पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में किसी स्कूल ने माफ नहीं किया है, आस पड़ोस के किसी स्कूल ने माफ नहीं किया है। मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं, मुझे भी 35,000 रुपया साल का देना पड़ा है। देना पड़ा है मुझे खुद। तो ये जो गार्जियनों का आरोप है कि बस नहीं मिले, कब से बस है इनकी? बस इनको आज भी मिल रही है, लेकिन इनका आरोप है कि जैसे पहले डायरेक्टली स्कूल से दिया जाता था वैसे ही कर दिया। साइन करिए तो आप लोग। केसरी देवी विद्यालय है, CBSE बोर्ड से संचालित है ये, और ये भी ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड के तत्वाधान में चलता है। ये भवंस केसरी देवी के नाम से विद्यालय है। ये जब से छोटे छोटे बच्चे LKG से 12 तक के बच्चों का शिक्षा यहाँ पे दिया जाता है। जी सर, रेणुकूट सर, रेणुकूट ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड केसरी देवी विद्यालय जी। ये कंपनी वाले सरकार है कि हमारे अंदर नहीं चल रहा है, इसको जो है ये स्वतंत्र संस्था के तहत चल रहा है, लेकिन इसकी सारी व्यवस्था कंपनी वाले देते हैं सर। सारा मेंटेनेंस लेके सारा व्यवस्था कंपनी वाले ही करते हैं सर। जो है टीचरों को कैंपस में रूम मिला हुआ है सर, जब से इस विद्यालय का निर्माण हुआ तब से इनको जो है ये पूरी व्यवस्था जो है सर, ये ग्रासिम, ये पहले करोड़िया केमिकल था वो देती थी, बाद में जो है ये लोग अपने मिल करके ये लोग देते थे। ये पिछले 6 माह से समाप्त कर दिया गया है सर। जो है आज सारे अभिभावक सैकड़ों की संख्या में पूरा रोड स्टेशन के पास आए हुए हैं, लेकिन ये बस ये कह के खाली हो जा रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में नहीं है सर। जो है यही सेम प्रॉब्लम सर, जो है बगल में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ भी सर है ये सर। समाधान एक बाइक सर सर देखिए, अब आप अधिकारी हैं सर, आप इसके मालिक हैं, एक बार आप इस पर ध्यान दीजिए। इन लोगों को बुलाइए और वार्ता करवाइए अभिभावकों से सर। लेकिन यहाँ बहुत स्थिति विस्फोटक है। यदि आपका व्हाट्सएप नंबर चालू है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह अभिभावक यहाँ परेशान है सर। जी राजेश कुमार यादव है सर, और यहाँ बता रहे हैं जितने लोग भी खड़े हैं सर, सभी ड्यूटी करने वाले हैं। किसी का ए शिफ्ट है, किसी का जनरल शिफ्ट है, तो पर्टिकुलर हर आदमी हर बच्चे को लाकर यहाँ नहीं छोड़ सकता है सर। तो हमारी एक ही विनती है कि मैनेजमेंट स्कूल बस को अपने अंडर में करके हम लोग फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल बस चलाए। पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था अभी लागू कर दी जाए, हम लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। अभी बस कौन चला रहा है? अभी बस कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चल रहा, मनमाना चल रहा। बच्चे जहाँ बस अगर खराब भी हो जा रही है तो बच्चों को जहाँ खराब हो रही है वहीं से उतार के भेज दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। कुमार नाम है, ये स्कूल जो है पूरे रुपया लिए एक स्कूल का पूरा नाम बताइए। नाम क्या है? KDKVM स्कूल कनौड़िया जी। ये पूरा पैसा लेती है, एक रुपया भी हम लोग को माफ नहीं किया। आज उसके पहले जब हम बच्चे का एडमिशन कराए थे तो स्कूल में बस थी, बस के साथ हम लोग एडमिशन कराए, और अभी बसें नहीं है। आज भीड़ किस लिए इकट्ठी की है, क्या मामला था? बस के प्रॉब्लम के कारण यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं धरने पर। बच्चों को स्कूल के लिए बस आने के लिए बस नहीं मिल रही है? नहीं, पहले मिलती थी, अब ये अपना मैनेजमेंट जो है बस नहीं है।